महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और अजीत पवार के बीच जारी शह और मात का खेल दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। शरद पवार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बताते हैं कि उनकी पार्टी में कोई विभाजन हुआ ही नहीं। यही बात अजीत पवार भी चुनाव आयोग को कहते हैं कि एनसीपी तो एक ही है, विभाजन का सवाल ही नहीं है। शरद पवार किश्तों में अजीत पवार गुट के 40 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास अर्जी लगाते हैं और यही काम अब पलटकर अजीत पवार ने कर दिया। अजीत पवार ने शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से कर दी। एनसीपी अगर एकजुट है, पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है, तो दोनों गुट मिलकर एनसीपी के 53 में से 50 विधायकों को अयोग्य साबित करने पर क्यों तुले हैं? ये सवाल अपने आप में दिलचस्प है। शरद पवार विपक्षी गठबंधन में हैं और अजीत पवार एनडीए में। ऐसा हो सकता है कि एक ही पार्टी के विधायक अलग अलग गुटों में शामिल हो सकते हैं। नागालैंड के विधायकों का बीजेपी को समर्थन देने के फैसले का शरद पवार यही कहकर बचाव कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि महाराष्ट्र में भी यही सब चलता रहेगा। अजीत पवार धड़े ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक याचिका सौंपी है, जिसमें पार्टी के संस्थापक शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का आग्रह किया है। ये याचिका अनिल भाईदास पाटिल ने दायर की, जो अजीत पवार गुट के मुख्य सचेतक हैं। अनिल भाईदास पाटिल ने कहा कि याचिका में जिन 10 विधायकों के नाम हैं, उनमें जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे, रोहित पवार, अनिल देशमुख, प्राजक्त तानपुरे, बालासाहेब पाटिल, सुनील भुसारा, संदीप क्षीरसागर और सुमन पाटिल शामिल हैं। हालांकि शरद पवार गुट ने पहले ही अजीत पवार के साथ गठबंधन करने वाले 40 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर कर दी है। इसके पहले एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है और सभी एकजुट हैं। निर्वाचन आयोग ने अजीत समूह की ओर से दायर याचिका के बाद 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया है, जिसमें अजीत पवार के गुट ने दावा किया कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे मामले को एक राजनीतिक दल के भीतर विवाद के रूप में मानना अनुचित है, जबकि हमने लगातार ये कहा कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्हें पार्टी के भीतर कभी किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, कोई विवाद नहीं है, पार्टी की ओर से किसी भी सार्वजनिक मंच पर मेरी नीतियों का कोई विरोध नहीं किया गया। अजीत पवार के गुट वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि अच्छा है, क्योंकि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव, अजीत पवार अब पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमने पहले ही निर्वाचन आयोग को इस बारे में सूचित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस अगर तेलंगाना में जीत भी जाए तो इससे बिहार में क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में जीत जाए तो बंगाल में कौन सा बड़ा बदलाव आएगा? और अगर छत्तीसगढ़ जीत जाए तो इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत कितनी बदल जाएगी? सारे सवालों का जवाब एक ही है, कुछ नहीं। इन राज्यों में जीत से कहीं कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन कांग्रेस इसी बहाने विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को टाल रही है, जबकि सहयोगी दल चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द हो ताकि वे उम्मीदवार तय कर सके, प्रचार शुरू कर सके। नीतीश कुमार से केजरीवाल तक और ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सब यही चाहते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग की बात गठबंधन में रफ्तार नहीं पकड़ रही। माना जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस का मास्टर प्लान है, जिसके तहत वो जानबूझकर सीटों का बंटवारा नवंबर तक टालना चाहती है। कांग्रेस के हिसाब से सब हुआ तो कांग्रेस नवंबर में सीटों को लेकर बातचीत शुरू करेगी और फाइनल करते करते जनवरी तक पहुंच जाएगी। असल में कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह लालू यादव और नीतीश कुमार को उलझाकर रखने की है। इसी वजह से आरजेडी और जेडीयू के लोकसभा कैंडिडेट्स को टिकट देने के ऐलान में भी देरी हो सकती है। तर्क सिर्फ यही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले सीट बंटवारा नहीं करना। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दल गठबंधन के अंदर उसे ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि 3-4 राज्यों में जीत से कांग्रेस की ताकत गठबंधन के अंदर और बढ़ेगी और सीट बंटवारे में पार्टी इसका फायदा मोल भाव करके ज्यादा सीट झटकने में कर सकती है। गठबंधन के सूत्रधारों में से एक लालू यादव ने दावा किया था कि 13 सितंबर को दिल्ली की बैठक में सीट बंटवारे पर बात शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतीश लगातार कह रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, ऐसे में सीट बंटवारे पर देरी के लिए कोई सहयोगी तैयार नहीं। सारी पार्टियां चाहती हैं कि सीट तय हो जाए तो वो कैंडिडेट तय कर लें, जिससे पार्टी कैंडिडेट और कार्यकर्ता तीनों को प्रचार करने का समय मिल सके।
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के नेताओं की भावना के हिसाब से अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजों तक सीट बंटवारे पर फैसला अटकाती है तो फिर गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चाहे कितनी भी हो जाए कोई फैसला नवंबर से पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन गठबंधन में सब कुछ कांग्रेस के हिसाब से चले इसकी गारंटी तो है नहीं। सीट बंटवारे पर फैसले में देरी से सहयोगी और खास तौर से बड़ी पार्टियां बेसब्र होंगी और अपने स्तर से कैंडिडेट तय करना शुरू कर सकती हैं। वैसे भी राजस्थान या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत हो भी गई तो उससे न अखिलेश यादव के तेवर उत्तर प्रदेश में ढीले होंगे न ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में ढीले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस को हर उस चीज से नफरत है जो मोदी सरकार के दौरान की गई हो या बनाया गया हो, इसलिए कांग्रेस का इरादा मोदी सरकार के दौरान बनाए गए हर भवन हर संस्था को नष्ट करने का है। कांग्रेस के इन इरादों का पता पार्टी के नेता जयराम रमेश ने बता दिया। मोदी सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण जरूरतों के हिसाब से करा लेकिन कांग्रेस को इससे नफरत है। यही वजह है कि नए संसद भवन के निर्माण से लेकर इसके उद्घाटन तक हर कहीं कांग्रेस ने अड़ंगा डाला। निर्माण रोकने के लिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। अब जब नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, संसद के विशेष सत्र का आयोजन भी उसी नए संसद भवन में हुआ और आगे भी होगा। इस बीच कांग्रेस के जयराम रमेश ने कह डाला कि पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद के डिजाइन में कई खामियां हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पुरानी संसद के मुकाबले नई संसद में न तो सदस्यों के बीच बातचीत और मेलजोल की जगह है, न ही कर्मचारियों को काम करने में सुविधाएं हो रही हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन को बेहतर उपयोग का रास्ता ढूंढा जाएगा। मतलब नए संसद भवन का इस्तेमाल कांग्रेस किसी दूसरे काम के लिए करेगी और संसद का संचालन उसी पुराने संसद भवन से किया जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नई संसद भवन का उद्घाटन जिस तरह से बड़े प्रचार प्रसार के साथ किया गया वह पीएम मोदी के उद्देश्य को साकार करने वाला है। नई संसद को वास्तव में मोदी मल्टी कॉम्प्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। चार दिन की कार्यवाही के बाद मैंने देखा कि संसद में एक दूसरे से संवाद की जगह नहीं बची। ऐसा संसद के दोनों सदनों और परिसर में, जयराम रमेश ने कहा कि यदि आर्किटेक्चर लोकतंत्र को मार सकते हैं तो पीएम मोदी ने बिना लिखे संविधान को खत्म करने में सफलता हासिल कर ली। नई संसद भवन में सदस्यों के बीच दूरी का दावा कर रमेश ने कहा, यहां बैठने वाले सदस्यों को एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक या कॉम्पैक्ट नहीं है। पुराने संसद भवन की खूबियों का जिक्र करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि पुरानी संसद में अपनी एक अलग खूबसूरती थी, वहां सदस्यों के बीच संवाद की सुविधा भी थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल या संसद के गलियारों में घूमना भी आसान था। नई संसद इस जुड़ाव को खत्म करता है। जयराम रमेश ने दावा किया कि पुरानी संसद में अगर कोई खो जाता था तो वह आसानी से रास्ता ढूंढ लेता था क्योंकि उसका आकार गोलाकार था, जबकि नई संसद भवन भूल भुलैया है, इसमें खो जाने पर रास्ता नहीं मिलेगा। पुरानी संसद में अतिरिक्त जगह और खुलेपन है जबकि नए संसद कॉम्पैक्ट है। नई संसद में घूमने का आनंद खत्म हो गया। पुराने संसद भवन में जाने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता था लेकिन नई संसद आरामदायक रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करने का संकेत देते हुए कहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पार्टी लाइन से परे संसद के कई सहकर्मी भी ऐसा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद के कर्मचारियों ने भी सुविधाओं का जिक्र किया। रमेश ने कहा, मैंने संसद के कर्मचारियों से ये कहते सुना, नए संसद भवन के डिजाइन में उन्हें अपना काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने नई संसद के निर्माण में विपक्ष से सलाह नहीं लेने पर तंज कसते हुए कहा, ऐसा तब होता है जब संसद भवन में बैठने वाले अन्य लोगों से कोई परामर्श नहीं किया जाता। शायद 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता बदलने के बाद संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किसी भूखे के सामने से कोई भरी हुई थाली छीन ले तो क्या होगा? उस भूखे पर क्या गुजरेगी और बदले में वो क्या करेगा? कांग्रेस के साथ भी बीजेपी ने कुछ वैसा ही किया। कहां तो कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस राज्य की अधिकांश सीटें जीतने का दम भर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन हुआ कांग्रेस तिलमिला गई। वजह यह कि 2019 में सिर्फ एक सीट जीतने वाली कांग्रेस के सामने कर्नाटक में सारी की सारी सीटें हार जाने का खतरा पैदा हो गया। फिर क्या था, पूरी की पूरी कांग्रेस बीजेपी और जेडीएस के पीछे पड़ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बौखलाए हुए बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा
कि जेडीएस को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वो पार्टी के नाम के साथ लगे सेक्युलर शब्द को हटा दे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जेडीएस के शामिल होने को लेकर कहा कि पिछली बार हमने जेडीएस के साथ गठबंधन किया था और हम एक एक सीट जीत पाए थे क्योंकि जनता को जेडीएस के साथ गठबंधन पसंद नहीं था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जो बार बार कहा था आज आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि हो गई है। राज्य में बीजेपी की बी टीम जेडीएस आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा बन गई। असल में 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस गठबंधन के बड़े सियासी मायने हैं। कर्नाटक की राजनीति पर नजर डालें तो बीजेपी और जेडीएस दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके अपने अपने कोर वोटर्स हैं। जेडीएस की वोक्कालिगा समुदाय में पैठ है तो बीजेपी के लिंगायतों के बीच अच्छी पकड़ है। ये दोनों समुदाय ऐसे हैं जो करीबन पूरे राज्य में चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो पता लगता है कि जेडीएस का कोर वोटर उससे दूर हो गया। 2018 के मुकाबले 2023 में जेडीएस की करीब 50% सीटें तो घट गईं और 37 से 19 सीटों पर सिमट गई। पार्टी का वोट शेयर भी 18.3 से घटकर 13.3% रह गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी नुकसान हुआ। 2018 में जहां पार्टी के पास 104 सीटें थीं, तो वहीं 2023 में 66 सीटों पर सिमट गई, लेकिन पार्टी का वोट शेयर जस का तस रहा। 2018 में बीजेपी का वोट शेयर 36.2 था, तो 2023 में भी बीजेपी के खाते में 36% वोट शेयर आया। इसका मतलब यह है कि जेडीएस की सीटें भी गईं और कोर वोटर भी दूर गए, जबकि बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अपने कोर वोटर्स को साधने में करीबन कामयाब रही 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर को सर्वाधिक नुकसान दक्षिण कर्नाटक में हुआ, जहां पार्टी की अच्छी पैठ है। 2018 में जेडीएस के पास दक्षिण कर्नाटक की 38 सीटें थीं। 2023 में 8 सीटों का नुकसान हुआ और 30 सीटें रह गईं। 2023 में कर्नाटक की सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस के खाते में 135 सीटें आईं और वोट शेयर 42.9% रहा। अगर बीजेपी और जेडीएस के वोट शेयर को मिला दें तो ये करीबन 50% के आसपास बैठता है, यानी कांग्रेस के वोट शेयर से 7% ज्यादा। मतलब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस साथ होते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन में सीपीएम का बने रहना बस कुछ दिनों की बात है। वैसे भी सीपीएम ने एक तरह से अपना रास्ता अलग कर लिया है। वजह सिर्फ बंगाल और केरल में जारी ममता बनर्जी और कांग्रेस से खटपट नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर भी है, जो बंगाल में ममता बनर्जी और केरल में कांग्रेस को अपने करीब फटकने नहीं देना चाहती। देश के करीब 100 सीटों पर जनाधार रखने वाली सीपीएम ने लेफ्ट फ्रंट और एलडीएफ की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर सीपीएम खिसकी तो लेफ्ट फ्रंट और एलडीएफ में शामिल पार्टियां भी विपक्षी गठबंधन से अपना नाता तोड़ लेंगी। लेफ्ट फ्रंट और एलडीएफ में करीब 10 पार्टियां शामिल हैं जो इस वक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ सीपीएम की पटरी नहीं बैठ पा रही। हाल ही में सीपीएम के पोलित ब्यूरो की बैठक में भी गठबंधन को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। सीपीएम का केरल, बंगाल, तमिलनाडु और त्रिपुरा में मजबूत जनाधार है। नीतीश कुमार ने जब विपक्षी एकता की कवायद शुरू की थी तो सबसे पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से ही मिले थे। उस वक्त येचुरी ने विपक्षी मोर्चे को पहला और जरूरी टास्क बताया था। हालांकि जैसे जैसे गठबंधन आकार लेता गया, वैसे वैसे गठबंधन में सीपीएम की भागीदारी को लेकर सस्पेंस गहराता गया। गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर करने पर बंगाल सीपीएम इकाई ने अपने महासचिव सीताराम येचुरी की शिकायत केंद्रीय समिति से कर दी। बंगाल इकाई का कहना था कि एक तरफ जब तृणमूल के नेता हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे महासचिव ममता बनर्जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सीपीएम के भीतर केंद्रीय समिति ही सभी बड़े मुद्दों पर फैसला लेती है। बंगाल से शिकायत आने के बाद सीपीएम की केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गठबंधन में रहने की बात तो कही गई, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी पर सवाल उठाया गया। इसके बाद पोलित ब्यूरो ने कोऑर्डिनेशन कमेटी से किसी को भी नहीं भेजने की बात कही। सीपीएम की केंद्रीय समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया। बंगाल और केरल के नेताओं से सुझाव लेने के बाद इस पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। अक्टूबर के अंत में पोलित ब्यूरो की अगली बैठक आयोजित की जाएगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल सीपीएम को बंगाल में एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने हाल ही में सीपीएम पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया था। तृणमूल सूत्रों ने बताया कि बंगाल में जिसके खिलाफ पार्टी लड़ी उसे गठबंधन में कैसे शामिल किया जा सकता है। तृणमूल के एक धड़े का मानना है कि बंगाल में सीपीएम का वोट अब बीजेपी में शिफ्ट हो गया। ऐसे में पार्टी को साथ रखने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला।
तृणमूल अभिषेक बनर्जी पर सीपीएम के हमले से भी नाराज है। हाल ही में सीपीएम बंगाल के प्रमुख मोहम्मद सलीम ने अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचारी बताया था। सीपीएम ने गठबंधन की मीटिंग में उनके लिए खाली कुर्सी छोड़ने पर भी तंज कसा था। सलीम ने खाली कुर्सी पर जूती रखने की सलाह दी थी। जानकारों का कहना है कि तृणमूल में बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, जिससे केंद्र में सरकार बनने पर प्रधानमंत्री पद पर दावा किया जा सके। तृणमूल ने बंगाल की सभी 42 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने जैसे तैसे डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनने के लिए मनाया और गद्दी सिद्धरमैया को सौंप दी। तब से अब तक डीके शिवकुमार की कर्नाटक में तूती बोलती रही, लेकिन जैसे ही बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन हुआ, कांग्रेस में खलबली मच गई। बीजेपी और जेडीएस से निपटना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, इसलिए अब राज्य में 5 और डिप्टी सीएम की मांग तेजी से उठने लगी है। मतलब कि कर्नाटक में कुल मिलाकर 6 डिप्टी सीएम होंगे। ऐसे में डीके शिवकुमार का सियासी रुतबा तो कम होगा ही, एक तरह से उनकी महत्वाकांक्षाओं का अंत हो जाएगा। माना जा रहा है कि 6 डिप्टी सीएम की मांग एक तरह से डीके शिवकुमार के पर कतरने के लिए की जा रही है। कांग्रेस के विधायक बसवराज राय रेड्डी ने बड़ा दावा कर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल में 5 और उप मुख्यमंत्रियों को लाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। कुछ मंत्री पहले से ही इसके पक्ष में हैं। सिद्धरमैया के पास अभी डीके शिवकुमार के रूप में केवल एक डिप्टी सीएम है। हालांकि राय रेड्डी ने कहा कि सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले और कुछ डिप्टी सीएम पर गंभीरता से विचार कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद कर्नाटक अपने भौगोलिक या क्षेत्रीय विस्तार के मामले में देश का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि गृह मंत्री जी परमेश्वर, साथी कैबिनेट सहयोगी एमबी पाटिल और अन्य ने प्रस्ताव पर अपना जोर दिया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव राज्य के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने रखा था। राय रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक में कम से कम 6 और डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाने चाहिए। हमारी सरकार अगले साल संसदीय चुनावों को देखते हुए कुछ और डिप्टी सीएम लाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। विधायक ने कहा कि प्रस्ताव को जी परमेश्वर और एमबी पाटिल सहित कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्यों से पहले ही समर्थन मिल चुका है। मैं भी राजन्ना के प्रस्ताव से सहमत हूं कि सरकार को बेहतर शासन और प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उप मुख्यमंत्री लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक एक बड़ा राज्य है और सरकार अन्य 5 पद डिप्टी सीएम के लिए बना सकती है। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो डीके शिवकुमार सहित राज्य में डिप्टी सीएम की संख्या 6 हो जाएगी। कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर कई मौकों पर विवाद देखने को मिला। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि राज्य में 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अभी तक वोक्कालिंगा समाज से आने वाले डीके शिवकुमार को ही सिर्फ डिप्टी सीएम का पद दिया गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार में मंत्री के एन राजन्ना ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3 डिप्टी सीएम की वकालत की थी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये निजी विचार है और अंतिम फैसला हाईकमान को लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस वक्त बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के खिलाफ है। कोई स्पीकर को पत्र लिख रहा है तो कोई विधूड़ी के निलंबन की मांग कर रहा है। मोहब्बत के दुकानदार राहुल गांधी तो इतने जोश में आ गए कि दलबल के साथ दानिश अली के घर जा पहुंचे और उन्हें गले लगाया, फोटो खिंचवाई, बीजेपी को खरी खरी सुनाई और जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो विपक्षी बगलें झांकने लगे। रमेश विधूड़ी की दानिश अली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विवाद गहराता जा रहा है और इस मामले को लेकर अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विधूड़ी के बयान की निंदा करते हुए दानिश अली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सदन में दानिश अली पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करके रमेश विधूड़ी को उकसा रहे थे। विपक्षी सांसद की ओर से रमेश विधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस बीच निशिकांत दुबे ने 21 सितंबर को चली चर्चा के दौरान बसपा सांसद दानिश अली सहित कई अन्य विपक्षी सांसदों के व्यवहार को गलत बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने की मांग की है। स्पीकर बिड़ला को लिखे पत्र में निशिकांत दुबे ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए लिखा कि उस दिन रमेश विधूड़ी ने जो भी कहा था वो निंदनीय था, लेकिन तथ्य यह है कि विधूड़ी के पूरे भाषण के दौरान उस दिन दानिश अली लगातार रनिंग कमेंट्री कर रहे थे। वे विधूड़ी को परेशान करने और उन्हें उकसाने के उद्देश्य से सभी के प्रति अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, जिससे उनकी शांति और संयम खो जाए और वह सदन में सही तरीके से अपने विचार व्यक्त न कर पाए। निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि दानिश अली लगातार रमेश विधूड़ी को उकसाने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय टिप्पणी की, जिसे सुनकर कोई भी देशभक्त जनप्रतिनिधि अपनी शांति खोकर
उनके जाल में फंसकर अप्रिय बोल सकता था और उस दिन ऐसा ही हुआ। बीजेपी सांसद ने सदन में चर्चा के दौरान बसपा सांसद दानिश अली और तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय के साथ साथ डीएमके सांसदों पर भी सदन के अंदर अपशब्दों का इस्तेमाल करने और दिए गए बयानों की जांच करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष बिरला से एक जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।